हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रेडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिस इज योर नितिन तिवारी सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थर्ड पार्ट ऑफ क्लास टेंथ इलेक्ट्रिसिटी एंड आवर टुडेज टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस जानने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि वॉट इज पोटेंशियल और पोटेंशियल को समझने के लिए अपना चैप्टर तो इलेक्ट्रिसिटी है बट अपन को पता है कि फिजिकल चीज़ों से अपन को ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंडिंग होती है अपनी तो उसके लिए थोड़ा सा अपन ये पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको मैं ग्रेविटेशन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ और देन उसके बाद फिर अपन अपन इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पे आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल बेटा अपने पास एक बिल्डिंग है एक बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे एक बच्चे ने वहां से एक बॉल को ड्रॉप किया बच्चे ने बॉल को ड्रॉप किया यहाँ पे एक बीच में कहीं पे बालकनी है एक दूसरे आदमी ने उसको कैच कर लिया उसने देन दोबारा उस बॉल को ड्रॉप किया दोबारा नीचे की तरफ गिराया बॉल आके यहां पे पहुंच गई एक चीज अपन ने यहां पे ऑब्जर्व करी कि जब भी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हैं जब भी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हैं बॉल नीचे की तरफ आती है और क्यों नीचे की तरफ आती है इसके लिए अपन फील्ड फोर्स पहले पढ़ चुके हैं कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी भी बॉडी को क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ठीक है इस वजह से ये बॉडी नीचे की तरफ आती है ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी बॉडी को हम नीचे की तरफ ड्रॉप करें बॉडी को हम नीचे की तरफ ड्रॉप करें तो वो बॉडी क्या चली जाए ऊपर चली जाए क्या ऐसा कभी होता है नहीं होता इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कुछ ऐसे कैलकुलेशन किए कि हमने ये समझा कि कोई भी बॉल या कोई भी चीज ऑटोमेटिक तो ऊपर गई नहीं होगी उसको कोई ना कोई आदमी यहां से सीढ़ी या लिफ्ट के थ्रू ऊपर लेके गया होगा और जब वो उसको नीचे से ऊपर लेके गया होगा तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉल को ऊपर ले जाने के लिए उसने अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा कुछ एनर्जी उसने वेस्ट करी होगी खर्च करी होगी वो एनर्जी उस बॉल में जाके क्या हो जाती है उस पॉइंट पे जाके स्टोर हो जाती है फॉर एग्जाम्पल पॉइंट सी पे बॉल है सी से बी तक ले जाने में हमें हंड्रेड जूल एनर्जी हमने खर्च करी वो हंड्रेड जूल एनर्जी कहां गई वो जो वर्क डन हमने किया वो इस बॉल में क्या हो गया सेव हो गया देन यहां से ऊपर ले जाने में वन फिफ्टी जूल एनर्जी खर्च हुई और हम ये देख रहे हैं कि जब भी बॉल को अपन छोड़ते हैं वो नीचे की तरफ आती तो इससे हमारी ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई कि कोई भी बॉडी हमेशा अपने हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाने की कोशिश करती है कोई भी बॉडी अपने हाई एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल से हमेशा लो एनर्जी लेवल पे जाने की कोशिश करती है उल्टा कभी भी नहीं होता कि कोई बॉडी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चली जाए ठीक है दूसरी चीज हमें एक चीज और समझ में आई कि है तो ये बॉल ही यही बॉल है जो यहां पे है यही बॉल है जो यहां पे है यही बॉल है जो यहां पे है, है, यहां पे है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो बॉल जब यहां होती है तो उसका जो एनर्जी होती है उसके पास स्टोर्ड एनर्जी वो कुछ और होती है इस पॉइंट पे जब हो जाता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो कुछ और होती है और इस पॉइंट पे जब वो पहुंच जाती है तो उसके पास एनर्जी कुछ और होती है ऐसा क्यों होता है हमने उस चीज को इस तरह से समझा कि वो क्या है इस का, उसको हमने क्या नाम दिया कि वो इस पॉइंट का पोटेंशियल है कि जब बॉल इस पॉइंट पे आती है उसके पास 150 जूल एनर्जी क्या हो जाती है स्टोर हो जाती है ये इस पॉइंट बी का पोटेंशियल है कि जब बॉल यहां पे आती है उसमें 100 जूल एनर्जी सेव हो जाती है और उस पोटेंशियल को अपन ने क्या बोला कि यहां पे इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 150 वोल्ट है इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट इट मींस कि बॉल की जगह अगर कोई भी चीज यहां पे आएगी ऑटोमेटिक ये एड्रेस है जहां पे आने के पास उसके पास क्या आ जाएगा कुछ पोटेंशियल आ जाएगा तो ईजली हम समझ गए कि पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल उस उस बॉडी का एड्रेस में पहुंचने के बाद क्रिएट होता है ठीक है ना वो बॉल अगर कहीं और रहेगी तो नहीं रहेगा उसके पास पोटेंशियल पोटेंशियल कब आएगा जब वो ए पे आएगी तभी इतना पोटेंशियल आएगा जब बी पे आएगी तभी इतना पोटेंशियल आएगा उस पर ठीक है ना और अब अपन समझ लेते हैं इजिली कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पॉइंट ए पे जितना उसका पोटेंशियल है Assume, अगर हम पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पॉइंट ए पे उसका पोटेंशियल क्या होगा माइनस पॉइंट बी पे उसका पोटेंशियल क्या होगा VB. अगर हम उसको कितना एक्स्ट्रा वर्क डन किया वी ए माइनस वी बी वन फिफ्टी माइनस हंड्रेड मीनस फिफ्टी वोल्ट 100 था 50 हमने वर्क और किया 150 फिफ्टी यहां का पोटेंशियल आ गया हमारे पास तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ये चीज थी फिजिकली अब अपन इसको अपने चैप्टर के एस्पेक्ट में पढ़ना चालू करते हैं ये जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी इससे मेरा सिर्फ इतना सा है कि आपको एक चीज ये क्लियर हो जाए कि, कि किसी भी फील्ड फोर्स के चाहे वो ग्रेविटेशन का हो अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक की फील्ड फोर्स का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर किसी भी पार्टिकल को आप प्लेस करोगे मतलब उसकी तरफ आप ले जाओगे उसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है आप ले जाओगे तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उस बॉडी पे उस प्लेस पे जाके स्टोर हो जाएगा तो उस प्लेस पे जब वो बॉडी पहुंचेगी तो उसे क्या बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट और उसके अंदर जो एनर्जी होगी उस बॉडी के अंदर उसे क्या बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी आइए समझते हैं कैसे लेट लेटेस एज्यूम हमारे पास एक हाईली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है हाईली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है अपने पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज अब हमारे पास एक और पॉजिटिव चार्ज है क्यू जो कि पॉइंट बी पे प्लेस्ड है वो था सेम चार्जेस हम पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो लाइक like चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो अब ये इसको रिपेल करना चाह रहा है क्योंकि इस ये थोड़ा ज्यादा बड़ा भाई है तो ये इसको रिपेल करेगा अब मुझे अगर इसको यहां से किसी पॉइंट ए तक लेके आना है यहां से मुझे इस पॉइंट तक लेके आना है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा वो फोर्स लगाने पे अगेन वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था मेरी कुछ एनर्जी खर्च होगी और वो एनर्जी क्या होगी वहां पे स्टोर हो जाएगी उस बॉडी पे अपोजिट इन डायरेक्शन तो इसको यहां से लेके आया मैं चार्ज क्यू को फॉर एग्जाम्पल जब वो यहां पर था उसका पोटेंशियल कितना था हंड्रेड वोल्ट जब वो इस पॉइंट पे आया है वही चार्ज क्यों मैंने बोला ना थी वही बॉल बट अलग अलग प्लेस पे उसका पोटेंशियल चेंज हो रहा था उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही थी क्यों वहां पे हमने अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों ले रखा था क्योंकि हमें पता है कि अर्थ का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं यहां पे इसका फील्ड फोर्स इस डायरेक्शन में तो हम फोर्स किस लगा रहे है? इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में इसकी फील्ड लिखी ठीक है ना और इसको हम यहां पे जब लेके आ रहे हैं तो पॉइंट ए पे आने पे इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जा रहा है 200 हंड्रेड वोल्ट तो है चार्ज ये क्यों ही बट यहां पे उसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट और यहां पे उसका पोटेंशियल कितना है 200 हंड्रेड वोल्ट और यहां से हमने ये समझ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा फिर पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है माइनस पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है 200 हंड्रेड माइनस हंड्रेड 100 वोल्ट, ये क्या है अपना पोटेंशियल डिफरेंस है? ये क्या है अपना पोटेंशियल डिफरेंस है अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की कैसे बनेगी चार्ज Q को चार्ज Q को B से A तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा W चार्ज Q को B से A तक लाने में हमें कुछ डन करना पड़ेगा और लेटेस्ट एज्यूम वो वर्क डन क्या है डब्लू तो एक चार्ज को क्यू चार्ज को बी से ए तक लाने में W वर्क करना पड़ा तो एक चार्ज को बी से ए तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा W बाई क्यू और यही क्या है अपना पोटेंशियल डिफरेंस यही क्या है अपना पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज अवर पोटेंशियल डिफरेंस आई थिंक इजिली अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस अब थोड़ा सा आपके नोट करने के लिए भी सर ने यहां पे स्लाइड में डाल रखा है दैट इज सेपरेट चार्ज क्यू मैं दोबारा से यहां फिगर बना देता हूं तो ईजिली होगा आपको अंडरस्टैंड करने में अगेन हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहां पे कोई चार्ज था क्यू पॉइंट बी पे उसको हम लेके आए ए तक अगेंस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा ठीक है। सेपरेट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट बी बी पे नहीं आए इट एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्रुप ऑफ चार्जेस इन ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा एक फोर्स को फील करेगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव चार्ज दिस एफेक्ट द फोर्स रिक्वायर्ड एंड हेंस द वर्क डन W इन मूविंग चार्जेस Q टू पॉइंट ए हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा बी से इसको ए तक लाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में द क्वांटिटी डब्लू बाई क्यू इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डब्ल्यू बाई क्यू को अपन क्या बोलेंगे ये वो क्वांटिटी है ये वो वर्क डन है जो अपन को चार्ज क्यू को बी से ए तक लाने में करना पड़ा कैसे मैंने दोबारा आपको बताया दोबारा बताता हूं चार्ज क्यू को बी से ए तक लाने में कितना वर्क डन किया डब्लू तो एक चार्ज को क्यू से W तक लाने में कितना वर्क डन किया डब्लू बाई क्यू एंड दिस इज अवर पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी अब जब अपन को पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल्स टू पता चल गया वी ए माइनस वी बी डब्लू अपॉन क्यू यहीं से अपन क्या करते हैं इसका यूनिट भी बना सकते हैं यूनिट क्या बनेगा W वर्क जूल में Q चार्ज कूलम में तो यूनिट बना जूल पर कूलम और इसको नाम दिया अपन ने तो, तो कभी परेशान नहीं हो जाना तो वोल्ट बताया था वोल्टेज कैसे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दू पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड द वोल्टेज उसे अपन क्या बोलते हैं वोल्टेज भी बोलते हैं अब ये जो वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है ये बच्चे ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया बट एक बच्चे के मन में यह डाउट आया उसने ये कहा कि सर यहां पे आपने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ली थी और यहां पे आपने क्या लिया हुआ था एक पॉजिटिव चार्ज लिया था सर क्या होगा अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज हो जाए या फिर ये चार्ज तो पॉजिटिव ही रहे ये जो प्लेट है वो क्या हो नेगेटिव हो जाए दोबारा से उस बच्चे का क्वेश्चन सुनना उस बच्चे ने कहा कि सर आपने मुझे जो पोटेंशियल डिफरेंस समझाया मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया आपने कहा बी से कोई पॉजिटिव चार्ज है उसको इधर ए की तरफ लाने के लिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन करना पड़ेगा और वो ही अपना क्या होगा? ये है कि अगर ये प्लेट पॉजिटिव की जगह हो जाए या फिर ये जो पॉइंट चार्ज आपने ले रखा है तो देन किस टाइप से पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा और सर क्या होगा उस बच्चे को समझाने के लिए देखो सर ने क्या चीजें एक्सप्लेन कर दी सर ने कहा ठीक है चलो तुम्हारे डाउट को क्लियर करने के लिए अपन क्या करते हैं एक फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लेते हैं पूरा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ये जो अपना पॉजिटिव चार्ज था उसको रहने देते हैं और एक इसी के पास अपन क्या करते हैं एक निगेटिवली चार्ज बॉडी भी ले लेते हैं क्या कर लेते हैं एक निगेटिवली चार्ज बॉडी भी ले लेते हैं इस स्पेयर का ये जो मेटेलिक पॉजिटिवली था उसका पी नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं एस अब ध्यान देना कंडीशन क्या बनेगी बच्चों कंडीशन दूसरे को क्या करेंगे, करेंगे। अपोजिट चार्ज आपस में क्या करते हैं अट्रैक्ट मतलब इसको इसके पास ले जाने के लिए मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा ये ऑटोमेटिक इधर चला जाएगा दोबारा से सुनना इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा और वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या है अपना पोटेंशियल डिफरेंस तो इसको यहां से यहां तक लाने में तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा बट इसको यहां से या फॉर एग्जाम्पल पॉइंट बी था अगेन इस पॉइंट बी से इस पॉइंट ए तक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अगेन वर्क डन अगेन क्या करना पड़ेगा मुझे वर्क डन करना पड़ेगा और उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन उसको क्या बोलेंगे अपन पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे इस डायरेक्शन में लाने के लिए और इस डायरेक्शन में लेके आऊंगा मैं ये कब तक लेके आता पाऊंगा मैं इसको तब तक इधर तक ला सकता हूं जब तक मैं अपोजिट डायरेक्शन में उस पर क्या लगा रहा हूं फोर्स लगा रहा हूं जैसे ही जो अमाउंट का फोर्स मैंने लगा रखा है उसको मैंने जैसे ही रिलीज किया ये बुलेट के शॉट से क्या करेगा इस तरफ मूव कर जाएगा और यही रीजन है बच्चों कि पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है फ्लो हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव और इसी वजह से हम यह बोलते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज होती हैं उनका पोटेंशियल क्या होता है हायर होता है एज कंपेयर टू निगेटिवली चार्ज बॉडीज यहां से को क्या कंक्लूजन मिला इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उनका पोटेंशियल ज्यादा होता है हायर होता है एज कंपेयर टू निगेटिवली चार्ज बॉडी और इसी वजह से पॉजिटिव टू निगेटिव क्योंकि हमने क्या सीखा था कि एवरी बॉडी सारी बॉडी क्या पसंद करती है अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाने की कोशिश करती है तो यहां हायर पोटेंशियल लेवल था मीन्स हायर एनर्जी लेवल था उससे वो क्या आ जाएगी लो पोटेंशियल आपको किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं बेसिकली लोग क्या करते हैं याद करा देते हैं बच्चों को याद कर लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का हमेशा पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा होगा निगेटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा कम होगा ये वाला फिगर अगर आप याद रखोगे आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ इस फिगर से आप दूसरे को भी एक्सप्लेन कर पाओ कि क्यों इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है और क्यों इसका पोटेंशियल कम होता है और यह फ्लो ऑफ चार्ज मैंने इसीलिए लिख दिया है दैट ए पॉजिटिव चार्ज इज टू बी टेकन फ्रॉम बी टू ए इट्स अट्रैक्टेड बाय द निगेटिवली चार्ज स्पेयर एन ये जो निगेटिवली चार्ज स्पेयर एन है अपना फॉर एग्जाम्पल ये अगर एन है तो ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा एंड द रिपेल्ड बाय द पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर पी और पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर क्या करेगा रिपेल कर देगा क्योंकि सिमिलर चार्जेस है सो टू मूव ए चार्ज टूवर्ड्स ए वन हैज टू अप्लाई ए फोर्स ऑन इट टूवर्ड्स द लेफ्ट इस चार्ज को यहां तक लाने के लिए हमें लेफ्ट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू मूव द चार्ज दुवर्ड्स ए वन हैज टू अप्लाई फोर्स ऑन इट द लेफ्ट द वर्क डन इज पॉजिटिव ये वर्ड हमेशा याद रखना कि जब भी अपन इसको लेफ्ट डायरेक्शन में लाएंगे उस वर्क डन को हमेशा क्यों बोलेंगे क्या बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे क्यों बोलेंगे पॉजिटिव द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज पॉजिटिव ए माइनस वीबी हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी कैसे आएगी मैं आपको बताता हूं ये इसका लोअर एनर्जी लेवल था फॉर एग्जाम्पल यहां पर हंड्रेड वोल्ट था इसके पास पोटेंशियल इसका पोटेंशियल कितना है टू हंड्रेड वोल्ट भाई इसका ज्यादा है पोटेंशियल तो वी ए माइनस वीबी टू हंड्रेड माइनस हंड्रेड क्या मिलेगा हंड्रेड वोल्ट और क्या होगा वो पॉजिटिव इट मीन वी ए इज पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी क्लियर सो एज वन मूव टूवर्ड पी द वर्क डन इंक्रीजेस द पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड ऑन मूविंग टूवर्ड्स एन द पोटेंशियल डिक्रीजेस सो द पोटेंशियल पी इज हायर देन द पोटेंशियल ऑफ एन पी का पोटेंशियल पॉजिटिवली चार्ज चार्जेसर का पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव क्योंकि इधर से बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है सो द पोटेंशियल पी इज हायर देन दैट ऑफ द एन सो इन जनरल वी कैन से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी देन द नेगेटिवली चार्ज बॉडी इस चीज को नोट कर लेना हमेशा जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी उसका जो पोटेंशियल होगा निगेटिवली जो चार्ज बॉडी होगी उसका पोटेंशियल उससे कम हो क्लियर आगे देखते हैं। सेम चीज अपन यूज करते हैं अपने सेल में ए सेल प्रोवाइड्स प्रोवाइडेंट पोटेंशियल डिफरेंस तो समझना यह है कि सेल की जरूरत क्यों पड़ी अपन को ठीक है ना सेल की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर अपन ऐसा कर दें चार्ज ए, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवल कर रहे होते हैं तो बीच में जब वो ट्रेवल कर रहे होते हैं उसी में अपन क्या करा लेते हैं उससे कुछ वर्क डन करा लेते हैं कि यहां से वाइब्रेट करते हैं वो वहां पे वाइब्रेट होते हैं और टेलीफोन की रिंग बच जाया करती है ये सारे एग्जाम्पल अपन ने लास्ट पार्ट में सीखे थे तो अब क्या है अगर एक सिंगल चार्ज है हमने उसको जैसे ही छोड़ा वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा और एक बार ही हम वर्क ले पाएंगे कंटिन्यूस वर्क हम नहीं ले पाएंगे उसके लिए हमने क्या किया सेल यूज करने लगे अपन और बेसिकली अपन जो सेल यूज करते हैं वो क्या होते हैं ड्राई सेल होते हैं उनका एक टर्मिनल होता है जो ऐसे पॉइंट टाइप निकल रहता है पॉजिटिव और इधर वाला क्या होता है निगेटिव तो कंटिन्यूस क्या होता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या हो रहा है चार्जेस मूव हो रहे होते हैं और यहीं पे बीच में अपन क्या लगा देते हैं अपना एक बल्ब लगा देते हैं या कुछ भी आउटपुट लगा देते हैं और उसको अपन यूज कर रहे होते हैं हमेशा क्या करते हैं अपन ये यहां पे लगा के वर्क डन और इसको अपन क्या कर लेते हैं यूज कर लेते हैं और ये क्या होता है इसमें बीच में केमिकल रिएक्शन होती है सेल्स में अपने और पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है बीच में अपन क्या करते हैं कुछ भी आउटपुट अपना ले लेते हैं ये जो सेल अपने होते हैं इनके दोनों टर्मिनल याद कर लो बेटा ये जो ऊपर वाला है ये ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये जो नीचे फ्लैट है, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है जब अभी आगे चल चलकर सर्किट पे सेल लगाएंगे तो इस तरह से उसका नोटेशन होता है ये सेल का नोटेशन है बच्चों ये जो लंबी लाइन होती है ये पॉजिटिव को शो करती है ये जो छोटी लाइन है ये नेगेटिव को शो करती है क्लियर अब क्योंकि सेल है लगातार पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर फ्लो करते रहेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज फ्लो करता रहेगा तो उस वजह से क्या होगा अपन को आउटपुट मिलेगा और वो आउटपुट अपन कुछ भी ले सकते हैं तो एक चीज हमारे माइंड में ये सेट हो गई कि अगर कहीं से फ्लो हो रहा है चार्जेस का इट मींस कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा लगा के पॉजिटिव चार्जेस को क्या किया गया फिक्स किया गया तो जैसे ही उनको रास्ता मिलता है निकलने का वो शुई तेजी से निकल के बाहर चले जाते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करना चालू कर देते

Rest we will discuss in next session. Bye bye.